मुंबई मलाड मालवनी क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस से इत्यादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करने अकबरउद्दीन ओबीसी के आने की खुशी में लोगों की भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। मंच पर मौजूद सभी प्रत्याशियों ने विपक्षों पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 33 के आजाद उम्मीदवार मुजम्मिल बागबान, जिन्हें MIM समर्थन दे रही है, उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए जनता से निवेदन किया कि वो अपना वोट MIM को दे। दूसरी तरफ जनसभा में अकबरउद्दीन ओबीसी का तबीयत बिगड़ जाने के कारण उपस्थित न हो पाने की खबर सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग मायूस होकर वापस लौट गए। इस मौके पर अकबरउद्दीन ओबीसी अपने समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए तकरीबन रात के 1 बजे वे लोगों के बीच पहुंचे। इस अवसर पर देखते ही देखते लोगों में खुशी का माहौल बन गया। यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर अकबरउद्दीन ओबीसी शाम में ही जनसभा में उपस्थित हो पाते तो लोगों की भीड़ और बढ़ जाती। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बुजुर्गान मिल्लत और मेरे नौजवान साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर सुनने वाले मोहतरम दोस्तों, इस शेर से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। नाम से अल्लाह से करता हूँ आगा से दया, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। हाजरी, आज मेरे मातवा कंधों पर कौन सी किस्मत का बोझ डाला गया, कसम है परवरदिगार की, अगर आपने मुझे कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी आपकी लाज रखने के लिए हमें वक्त तैयार रहेगा। मुझे बड़े बड़े वादे और मुख्यदार वादा करने नहीं आती। जो भी तकलीफ आप झेल रहे हैं उन सारी तकलीफ को मैं झेल रहा हूँ। मुझे नाम नहीं काम चाहिए और इंशाअल्लाह अगर आपने मुझे अपना लिया और इलेक्ट्रिक पुल पर मोहर लगाई तो भाई इलेक्ट्रिक पुल पर मोहर लगाकर भारी एक्सपीरियंस से कामयाब किया तो ये कामयाबी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी, ये कामयाबी आपकी, ये कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी। किसी मर्तबे की हसरत न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाने को वो निजाम चाहते हैं। हम मकामी लोगों को, गरीबों को टिकट दिया तो भाई यहाँ के जो लोग हैं वही काम करेगी, जो यहाँ के जो बेसिक इश्यूज है उन्हीं का मालूम है जो यहाँ पर रहते हैं। जैसे नल का पानी गंदा आना, आज लगभग 15 साल से यहाँ पर इतना गंदा पानी आ रहा है तो स्टार्टिंग में आधा घंटा गंदा आता है, फिर बाद में 1 घंटा साफ आता है, फिर बाद में 1 घंटा वापस गंदा हो जाता है। गटर सारी भरी हुई है, गटर साफ करने का कोई ठिकाना ही नहीं। रोज रास्ते 1 नंबर से आते आते मालूम नहीं यहाँ पर 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में कभी कभी हम लोग बॉम्बे भी पहुंच जाते हैं, अगर बाइक से जाएंगे तो बॉम्बे पहुंच जाते हैं 1 घंटे में। रोज रास्ते ब्रिज में टूटा, जैसे कि यहाँ अखिल चर्चा ने बताया कि जो ब्रिज टूटा हुआ है वो उनका 1 महीने का भी काम नहीं है उस ब्रिज को रिपेयर करना, मगर सिर्फ इलेक्शन को क्रेडिट लेने के लिए ये लोग काम को रुका के रखे हैं। क्या इलेक्शन आएगा उसके बाद नारियल भरेंगे, 1 ट्रक नारियल मना के रखा हुआ है इन्होंने, इसका काम होता नहीं है। 2, 3, 4, 5 दिन में 1 ट्रक नारियल भर रहे हैं लोग, काम नहीं करते, काम तो करना ही नहीं, इलेक्शन का इंतजार करते। अभी 14 दिन में इलेक्शन
जो हमारे खिलाड़ी के ऑब्जर्वर हुए, तमाम ईमान वाले को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, सरकार अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब आए, आपके लब पे एक ही अल्फाज था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जाते जाते भी एक ही अल्फाज था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आज सरकार की उम्मत बहुत परेशान है, बहुत जुल्म सितम से हुई है। मैं इंशाअल्लाह आगे बताता हूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दर पे मालवी में हजार में आ चुकी है, आपकी आवाज को उठाने के लिए हमारे सदर अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में अच्छे अच्छे की मूर्ति बन कर देते हैं। हमारे अध्यक्ष साहब अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में अच्छे अच्छे की मूर्ति बन कर देते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम लोग भी वहां से जीतेंगे, अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देंगे। दोस्तों, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, यह म्यूनिसिपैलिटी पूरी एशिया में सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है। 40,000 करोड़ का फंड है, 40,000 करोड़ का फंड है। मेरे भाइयों माननीय, जो 1980 का वो देख लो और 2017 की देख लो, ऐसी की वैसी है। खाली बस जो हमारी आबादी बन गई, हम लोग छोटे से बने हुए, बस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी दूर तक खाते नजर नहीं आ रहा है। मस्जिदों में गटर के पानी, मंदिरों में गटर के पानी, बिहारों में गटर के पानी। आज नो IPS, नो IAS, नो एडवोकेट, नो इंजीनियर, ऐसा कोई एक सच मुझे बता दो कि माननीय में किसी की तरक्की हुई नहीं है। आने वाले सालों में हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों शेर पैदा करने वाली है। सिर्फ ये ताकत होगी आपकी, पर आपने सही बटन दबाया, सही निमाने छुड़े, तो इंशाअल्लाह मजलिस के शेर सारे बीजेपी को यहां से भगा देंगे। आप मजलिस की ताकत बढ़े, इंशाअल्लाह जो भी आपको डराएगा धमकाएगा इस इलाके में उसकी एंट्री हम बंद कर देंगे। बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत में जस्तजू की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईमानदारी ईमानदारी के साथ खिदमत कारगर की हुई आ रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर निशाना तनकीद की जा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज क्या किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो किया, अगर मैं आपके प्रकार के सामने रखूंगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे खत्म नहीं हो गए। उस वक्त के सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे मरहूम सदर की जो कयादत थी, जो काम था हैदराबाद के अंदर, जो तालीमी इदारा बनाए सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने, हर वो हर चीज में आगे थे। कौम की खिदमत के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने स्कूल कॉलेज बनाया, तालीमी मैदान में दवाखाना शहर के मैदान में बनाया और बैंक बनाया आपके बिजनेस के मैदान में। ये सारा का सारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कुछ भी है उसका क्रेडिट मेरे मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है। मेरे
अपने उम्मीदवारों को रखा है। आज मजलिस पे इल्जाम, अरे इल्जाम लगाने वाले जरा अपनी नॉलेज अपना वसी नजर को बढ़ाओ, अपनी मालूमात में इजाफा तो करो। आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो आप क्या तकलीफ है गुमराह करेंगे। आज ये इल्जाम लगाते हैं कि मंदिर से आकर आगे बीजेपी आ जाएगी अगर इनको वोट डालेंगे, तो मैं आपको एक छोटी बात बताता चलता हूं। तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर मंदिर से क्या अगर मुस्लिम 70 साल से इलेक्शन लड़ेंगे, 70 साल 65 साल से इलेक्शन नहीं चालू हो रही है। 294 में सीट 294 असेंबली के सीट आंध्र प्रदेश में थे, कभी बीजेपी का फायदा नहीं हुआ वहां पर। उड़ीसा में जब इंतखाबात हुए तो बीजेपी के 2 MLA 3 MLA 4 MLA हराज मंजिश का वोट, मंजिश का वोट आया है, मंजिश वहां तक चला गया। आज महाराष्ट्र के अंदर हमारी आबादी 12% है, तो क्या तेलंगाना के अंदर क्या आधे मुसलमान है? तेलंगाना के अंदर भी 12% है। तो आप ये सोचिए कि पिछली बार आज से 1 साल पहले दंगी इंतखाबात हैदराबाद के अंदर मुनाकिद किए गए, मजलिस ने 70-75 सीट के ऊपर अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो वहां पर फैसला क्या आता है? 99 सीट तेलंगाना वहां के हुकूमत की पार्टी के, 44 सीट 44 सीट मजलिस ट्रैवल मुस्लिम के, 1 सीट बीजेपी जीती है, 2 सीट बीजेपी जीती है। तो ये मजलिस ट्रैवल मुस्लिम ने मैं आपके सामने रखने की वजह यह है। आज यहां पर हमारी आवाम को डराया जा रहा है कि मजलिस को वोट डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 7 साल से तेलंगाना के अंदर है, आज हैदराबाद में तेलंगाना में बीजेपी सोच नहीं सकती सरकार पे आने के लिए। आज हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी रही है इत्तेहाद के लिए, और यहां भी आए हैं तो इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं आपसे। फिर फिर कर मुसलमानों एक मरकजी सियासी से जमा हो जाओ, अगर आप लोग एक मरकजी सियासी से जमा हो जाएंगे तो ही हम सर उठाकर हर चीज के लिए लड़ सकते हैं। आज मुसलमानों को और दलितों को सौतेला सुलूक किया जा रहा है, हमको हमारे हक से महरूम किया जा रहा है। आज कहते हैं डराया जाता है कि मंदिर से चादर मुस्लिम आ जाएगी, अगर से यहां के उम्मीदवार के लोग हार जाएंगे तो ऊपर के दो माले टूट जाएंगे। अभी सुन रहा था, अरे मंदिर से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तुम्हारे नीचे के दो माले टूट जाएंगे इंशाल्लाह।